तांदुल राम बोल के सुना पड़ता हुआ बहुत ही के लिए अभी भी लोग देख पाएंगे मैदान को त्रिशन में जिस टीम को आप लोग देख रहे हैं तो ये आपका चैनल 5C लाल कलर के जैसे में और ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन के जैसे में ओडिशा झारखंड दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी के समावेश है देखने वाली बात है इसमें जीत किनको मिलेंगे मैदान ना तो तेरे चाईबासा फुटबॉल टीम अब दक्षिण तेरे ओडिशा टू झारखंड बहुत अच्छे मौका यहाँ पर 13 नंबर के खिलाड़ी के लिए दुलराम सिंह को तो स्टार खड़ी है लेकिन बॉल को रिसीव करने के बजाय वन टॉस फिनिशिंग करने का प्रयास करता तो चाईबासा टीम के लिए बहुत ही बेहतर होता मैदान के बीचों बीच अनुभवी मैचबरी चुन्नू सिंह मौजूद है जो नेशनल ग्रेड के निर्णायक है और मैदान के पूर्वी छोर पर सहयोगी रेफरी के रूप में नजर आ रहे हर्ष मूर्ति और दक्षिणी साइड में शायद संजय मौजूद है संजय सामड कमेंट्री के लिए मैं कमेंटेटर हूं अपना पुनः सभी दर्शकों को मेरा प्यारा बना बहुत ही अच्छी मौका और फिर से पर मौका बेकार होता हुआ बेक टू बेक दो अच्छा आक्रमण चाईबासा टीम के खिलाड़ी के द्वारा लेकिन मौका को गोल में कर्म भट्ट नहीं कर पाए आज शुरुआती क्षण में झारखंड टू ओडिशा की टीम हल्का सा दबाव भरी स्थिति से गुजरता हुआ लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तालमेल बढ़ता जाएगा पद जब झारखंड ओडिशा टू झारखंड टीम का तो दबाव बढ़ सकता है चाईबासा टीम के लिए भी चाईबासा टीम में जहां तक बात की जाए दुलराम सिंह को जैसे स्टार खड़ी के समावेश है टीम में विवेक सिर का स्टार खड़ी पिछले राउंड में बहुत ही कमाल का खेल को दर्शाए थे अभिनाव गोड जैसे स्टार खड़ी टीम में मौजूद है वहीं ओडिशा टू झारखंड टीम के लिए जहां तक बात की जाए तो गोलकीपर राकेश अच्छी हर्षिल के साथ हमारे टूर्नामेंट में गोलकीपिंग का भूमिका को अदा करना चाहेंगे दीपक सात नंबर जिसमें जो बहुत ही स्टार खड़ी के रूप में जाने जाते हैं दिनेश जैसे स्टार खड़ी के भरमार है फिलहाल पर चाईबासा 13 नंबर की खड़ी यहाँ पर दुलराम होल्ड करके सात खड़ी 8 नंबर के लिए डालने पर अविनाश क्या करेंगे बॉल के साथ अगर बनने का प्रयास करता है पर अविनाश अब बॉल को पूरी तरह कंट्रोल करने में नाकाम होता है अब भी छेना चढ़ते जा रहे हैं अविनाश बॉल को कट करना था लेकिन कमाल का बचाव पर 17 नंबर की खिलाड़ी दिनेश के द्वारा धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ मंटू मुर्मू साथ ही खिलाड़ी 10 नंबर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का हकदार भी बने थे पुरंदर बिरुआ फिलहाल पद जादव अच्छी ताल में पुणे पर जादव के लिए बॉल को डाला गया पांच में से पांच नंबर की खिलाड़ी जादव जी यहां पर पांडे तब कभी उनका जादव के नाम से भी फुटबॉलर प्यार से बुलाते हैं फिलहाल पर 9 नंबर की खिलाड़ी अपने कब्जे में बोल लखन ज्यादा समय ना लाता हुआ साथ ही दिनेश के लिए डालना था फिर से बच्चा है बस 9 नंबर की खिलाड़ी बोल को साथ ही खिलाड़ी के लिए डालना चाह रहा था विवेक लेकिन पुनः पद पांडे नाटक के फुटबॉल खिलाड़ी मनवासा के टूर्नामेंट और कमरवासा के लफ्ट के टूर्नामेंट में भी इन्होंने तहलका सा मजा दिए थे फिलहाल पद फ्लिंग को चेंज करता हुआ 12 नंबर मंटू मुर्मू और हेडर तो लिए लेकिन गोलकीपर का अच्छी टाइमिंग लाल देवगम के द्वारा सुंदर तरीके से बॉल को कब्जे में लेने में अपने कब्जे में लेने में कामयाब हुई है फिर से 13 नंबर दुलराम टीम का कप्तान भी है बॉल को आगे डाले लेकिन दो दो खिलाड़ी झपट पा रहे अच्छी तरह से कवरिंग करके चलिए उसी बीच पर गलत तरीका को आज बना था मैं बता दूं हाथ से धकेलने का प्रयास किया एशियन रेफरी सामने मौजूद हो जो अनुभवी रेफरी आपके सामने मौजूद हो एशियन रेफरी संजय सामड तो चीटिंग बाजी का नाम खिलाड़ी और गोलकीपर के लिए महंगा पड़ सकता है फिलहाल पर चाईबासा टीम को किक लेने का मौका मिलेगा देखने वाली बात है किस तरह का शॉट लेंगे
चले से भी चापरवाल में दो खिलाड़ी बॉल के बहुत ही करीब खड़े थे, वॉल के लिए अपन डिस्टेंस को देता हुआ मरना चौधरी चिल्लू सिंह। फिलहाल चैनल से दिन के लिए बहुत अच्छा मौका है गोल डालने के लिए। शॉट लेकिन बॉल में हल्का सा आवाज आया जी शायद पर डिफेंडर से बॉल टकरा कर बॉल गोल लाइन से बाहर हो चुकी। कॉर्नर हो चुके, कॉर्नर के रूप में किक लेने का मौका मिलेगा चैना साहब से डिंग के खड़े को। ये जो सोनावती तरैबा साहब, ये जो आप लोग कान को मेमोरियल टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, चैना साहब क्षेत्र का मशहूर टूर्नामेंट नामचीन टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। अब फिलहाल बॉल को किक लेने का प्रयास किए लेकिन शानदार तरीके से बचाव करने में कामयाब होता हुआ दीपक। अभी भी दीपक अनुभवी खिलाड़ी। दीपक की अगर बात कीजिए स्किलफुल खेल के लिए जाने जाते हैं। आज छोटी सी जगह में बॉल को पाल करना था और सुंदर तरीके से खेलने में कामयाब हुए थे चैना सर दीपक खिलाड़ी। अच्छा बॉल जाता राइट फ्लैंक पे खिलाड़ी मौजूद है। अपन टीम के कप्तान क्या करेंगे दुलराम, अभी भी दुलराम के कब्जे बोल साथ ही खड़े 10 नंबर अच्छी जगह पर डिक्की। डिक्की ने 4 नंबर के लिए बॉल को डालने पर राम सिंह। फिलहाल पर सिमर का बॉल बाहर जाता हुआ। पिछले मुकाबले विवेक सिरका ने कमाल का खेल को खेले थे चैनल सा टीम के लिए। देखना सिकराम के मुकाबले में केसर का खेल को दर्शाएंगे। फ्लैंक को चेंज करना था, राइट डिफेंडर अपने कब्जे बॉल को लेने में कामयाब तो हुई है लेकिन सही तरीके से बॉल को आगे बढ़ाने में नाकाम आता हुआ। अनूप, अनूप ने साथी करके बॉल को डाले। अच्छा पर पांडे 10 नंबर की खिलाड़ी क्या कर पाएंगे पर पुरेंदर, लेकिन पुरेंदर पूरी तरह बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम होता हुआ। नतीजा डिफेंडर ने बॉल को आउट कर देने में कामयाब जरूरी है। फिलहाल अपन मौका बन सकता है झारखंड टीम के लिए। इसी बीच अपन टीम के कप्तान दुलराम बॉल के सड़क बढ़ता हुआ बहुत अच्छी जगह पर 9 नंबर के लिए। अभी भी मौका दमदार शॉट और दमदार गोल अपन दुलराम सिंह के द्वारा। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need. के फटाफट बॉल तक कर दौड़ के आ रहे थे विवेक से दल के खिलाड़ी चायवासा को कटिंग करने में आसान हुआ और शॉटिंग बहुत ही गजब का रहा दुलराम सिंह के द्वारा। कप्तान इस शॉट लगाने में कामयाब और एक गोल लगने में सफल होता हुआ। समय काफी है ओडिशा टू झारखंड टीम के लिए मैच में वापसी करना चाहेंगे। शुरुआती क्षण में दो अच्छा मूव बनाए थे, अच्छा एटैक किए थे, फिनिशिंग नहीं दे पाए। चाहे बस देखते ही देखते दो आक्रमण किया, दो आक्रमण सब तक एक आक्रमण में लाभ उठा चुके। कमाल का शॉट लेकिन धमाल का बचाव गोलकीपर के द्वारा। चलिया पद राइट डिफेंडर बिल्कुल किसी की तरह दौड़ लगाता हुआ। अभी भी दिनेश खेलने में कामयाब बहुत हुई है। फिर से अपन 9 नंबर विवेक अच्छी जगह पर बोल अच्छी कटिंग लेकिन अच्छी स्लाइडिंग बचाओ खतरा आप तक पूरी तरह टाला नहीं है। चलिए इसी बीच अब रॉन्ग टेकल गलत तरीका को आजमाना चाह पा रहे डिफेंडर अप्पिलेकट का सामना करना पड़ा पर 9 नंबर के खेड़े को। अप्पिलेकट को दिखाता हुआ हमारे मैच चौधरी चुन्नू सिंह ने साबित कर दिए कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है, जुर्म जुर्म होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दोबारा अगर इस तरह की गलती करेंगे तो रेड कार्ड का सामना करना पड़ेगा। खेड़े की चेतावनी के रूप में अप्पिलेकट का सामना करना पड़ा लेकिन फुटबॉल में फाउल फुटबॉल के दिन ऐसे हम लोग फाउल का आरोप नहीं सकते हैं लेकिन कोशिश ये किया जाए कि साफ से साफ सुथर खेल को दर्शाया जाए। फिलहाल अब 10 नंबर की खिलाड़ी किक लेने के लिए डिक्की को पोजीशन में साथ ही साथ अपार टीम के कप्तान भी सामने मौजूद है। अच्छी कली शॉट और उतनी हेडर फिर से अब सीमा रखा से बॉल बाहर जाता हुआ
कीक लेने का मौका मिल गया पर गोलकीपर रूम में और शॉट उस झारखंड टीम के लिए। इसके बाद जो मैच होंगे सिक राउंड का तीसरा मैच होंगे, खेलने के लिए पूरी तरह रेडी रहेंगे आजाद एस्टर क्लब सालीबुरु सामने करेंगे एएमएस नाटो। अब दोनों टीम के कप्तान ध्यान देंगे, अगर आपकी टीम में कोई नए खिलाड़ी शामिल है तो प्ले लिस्ट में आप उनका नाम को जोड़ देंगे। कंट्रोल करने में नाकाम होता विवेक टीम के कप्तान के लिए बॉल कटाने का दिलराम क्या करेंगे। अच्छी कटिंग यहां पर फिर से मौका अनुभवी खिलाड़ी नौ नंबर विवेक ईर्ष्य चाहबा सकले मौका बनता हुआ। और चलिए इसी बीच यहां पर गलती कर बैठे सत्रह नंबर के खिलाड़ी आपके सामने में जब चुन्नू जैसे अनुभवी निनायक मौजूद और अब गलत तरीका का आजमाना चाहेंगे तो उनके पैनल जैसे पहुंच नहीं पाएंगे। निगाहें चीर के भाते हर खिलाड़ी ऊपर नजर डल डालते हैं और दिनेश को बुकिंग मिलता हुआ फिलहाल अपर डेडे जल्द से किक लेने का मौका मिलेगा। देखने वाली बात है किस तरह का शॉट लेंगे। और दूसरी बल बनाने के लिए एक अच्छा मौका है चार असर टीम के लिए। हल्का सा बॉल लेकिन अच्छी बचाओ अब भी डेंजर जन बॉल धीरे धीरे झारखंड उड़ीसा के खिलाड़ी खतरा को टालने में कामयाब हो। ऑफसाइड का मैच भी आजकल होता है और सभी खिलाड़ी आप लोग कोशिश करें कि लीग से आप लोग जुड़े रहें ऑफसाइड का मैच को खेले जिससे आपका खेल के माध्यम से फुटबॉल खेल के माध्यम से अपना करियर को आप लोग समर पाएंगे। छोर बदल के बाद मैदान के उत्तरी दिशा में नजर आ रहे हैं ओडिशा टू झारखंड टीम की खिलाड़ी और दक्षिणी साइड में चाईबासा एफसी टीम की खिलाड़ी। आज संडे है काफी दूर दूर से हमारे दर्शक भी इस प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे भी कुछ व्यक्ति आए होंगे दर्शक रूम में जो चाईबासा एरिया में शिक्षा दीक्षा को प्राप्त की है और उन्होंने अपने करियर को संवारे आज छुट्टी के दिन अपने बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए देना चाह रहे हैं। अगला मैच के लिए मैं फोटो विशेष जोन में आमंत्रण देना चाहूंगा आप है आजाद एस्टर क्लब सालीबुरु सामने करेंगे एएमएस नाटो। आप हमारे फोटो विशेष जोन में अविलंब चलाएंगे। फिलहाल अगर बॉल के साथ अगर प्रयास करता हुआ चाईबासा के लिए दूसरी बल बनाने का सुनहरा मौका अभी भी जाए अच्छी जगह पर बॉल को डाले हेड बॉल के लिए अपील किया जाता लेकिन एडवांटेज के साथ खेलाना चारों से ग्राउंड का फायदा आपने देखे। यहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी बिक्की गोप ने कमाल का गोल दागने में कामयाब होता हुआ। मैं कुछ समय पहले इस बात का ही जिक्र भी मत कीजिएगा आप हाथ भी उठाइए अपील भी कीजिए लेकिन दौड़ते रहिए अपना पोजीशन को मेंटेन कीजिए। और दूसरा गोल दागने में कामयाब होता चाहे वापसी की टीम या बचे समय में ओडिशा तो झारखंड टीम बराबरी का गोल दाग पाएंगे ये देखना होगा। और फिलहाल यहाँ पर अच्छी कंट्रोल लेफ्ट जोन में लेफ्ट डिफेंडर के द्वारा शानदार कंट्रोल अफ्लिक्टेड बॉल 10 नंबर क्या करके बिक्की के कब्जे बॉल आता हुआ बिक्की ने बांसो की साइड में फिर से बिक्की के लिए रिटर्न बॉल मौका बन सकता है। बॉल को पुश कर दिए लाफ्टेड शॉट खिलाड़ी मौजूद है देखने वाली बात अगर अनुप गुड क्या करेंगे। चलिए धीरे धीरे अच्छा मौका बेहतर रहता हुआ चाईबासा टीम के लिए समय है काफी यानी काफी समय है ओडिशा टू झारखंड टीम के लिए मैच में वापसी करने के लिए लेकिन वापसी करने का मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे आप चाईबासा एफसी टीम की खिलाड़ी। फिलहाल गोल किक लेने का मौका ओडिशा टू झारखंड टीम के खिलाड़ी को मिड जोन में अपने फटाफट लालू के लिए गोल को डाला गया लालू ने फ्लेम को चेंज कर दीपक के लिए और दीपक थोड़ा सा बॉल को पीछे डाला मंटू के लिए और मंटू अच्छा बॉल लिया अपने पुरेंदर के लिए पुरेंदर अपना बॉडी का नियंत्रण इस बात के लिए खो चुके थे कि उनको गलत तरीके से पोस्टिंग किया गया।
इन्हें सुनी चल अच्छी लंबी शॉट लेकिन उसे अच्छी टाइमिंग गोल कीपर के द्वारा लाल देवगम बहुत ही कमाल का बचाव किए। अब के लिए सुनी चल मोंटू फुटबॉल फिजिकल है और अपील जो कर रहे थे पर मोंटू मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा विपक्षी दल के जो खिलाड़ी जो पुशिंग के जब मोंटू को तो विपक्षी दल के खिलाड़ी ने पूरी तरह मोंटू के बॉडी लेवल में अपना बॉडी को लाया पुश की। फुटबॉल एक फिजिकल खेल है नियम के तहत नियम के अनुरूप अगर पुशिंग करते हैं उसमें फाउल नहीं होते हैं। फिलहाल पर पांडे अच्छी जगह पर मोंटू के लेवल को डाले। अब मोंटू पर वो दूर से शॉटिंग लेना था लेकिन बॉल को टारगेट में रख नहीं पाए अलुड़ती बोलने पर सीमा से बाहर जाता हुआ तो इनका अवसर मिलेंगे चाइबासा टीम के खेड़े को। अगला मैच के लिए हमारे टेक्निकल फोर्थ ऑफिशियल जोन में चलाएंगे आपने आजाद एस्टर क्लब सालीगुरु सामने करेंगे एमएस नादो। नौ नंबर की खेड़े पर थ्रोइन के लिए लखन अभी भी यहां पर मौका बन सकता है लेकिन काफी बॉल को काफी बाहर मार दिए चाइबासा ऊंची कट के युवा खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय ले रहा था अभिनव और अभिनव सही जगह पर बॉल को डालने में नाकाम हुए। बॉल में डिफ्लेक्शन नतीजा पर थ्रो इन का इशारा ओडिशा टू झारखंड के पक्ष में। पांडे लुपिंग बॉल यहां पर आगे डालना चाह रहे थे फिर से मोंटू मुर्मू के लिए बॉल कटा लगाया मोंटू मुर्मू टीम का रिवील माना जाता है। अभी मोंटू अच्छा बॉल आठ नंबर के लिए डाला गया रिसीव से ढंग से नहीं ले पाए अगर लालू सही ढंग से बॉल को रिसीव कर लेते तो गोल अंतर को कम करने का अच्छा मौका हो सकता था। अच्छी जी बॉल पांडे बॉल को समझ नहीं पाए थ्रोइन का मौका चाइबासा के पक्ष में देखने वाली बात है पर क्या तीसरी बढ़त लेना चाहेंगे पर चाइबासा की टीम बढ़त तो लेना चाहेंगे क्योंकि जानते कि गोल लेवरेज के माध्यम से टीम डायरेक्ट फाइनल तक का सफर को तय कर लेंगे। लाल पद मौके की तलाश में पुनः पर चाइबासा की खिलाड़ी लेकिन डिफेंडर ने अपने कब्जे बॉल को लेके लेफ्ट डिफेंडर के लिए बॉल को डाले हैं। फिर से मोंटू मुर्मू अच्छी रिसीव अच्छी टर्न बॉडी का और दीपक क्या करेंगे देखना होगा। दीपक अब साथी खड़े पोजीशन में नहीं आ पाए तो दीपक गलत जगह पर बॉल को डाला ये भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल पर फोर्थ ऑफिशियल जोन के करीब में बॉल के लिए झपटता हुआ दोनों टीम की खिलाड़ी पुनः पर मोंटू बॉल का आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ सात नंबर की खड़े दीपक मौके की तलाश में अभी भी दीपक बॉल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ मौका बन सकता है पर ओडिशा टू झारखंड टीम के लिए। दीपक समय तो लिए लेफ्ट हैंड बॉल मोंटू के लिए बहुत अच्छी जगह पर बॉल शॉटिंग तो लिए लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट के लिए बॉल को सीमा से बाहर धकेल दिए। क्रिकेट में होता तो हेलीकॉप्टर शॉट के लिए दो चार ताली सुनने को मिलता है लेकिन फुटबॉल में इस तरह का हेलीकॉप्टर किक लगाएंगे तो ताली के बजाय आपको गाली सुनना पड़ता है। बॉल और बॉडी के बीच डिस्टेंस सही तरीके से नहीं बना पाए मोंटू जिसके चलते अपने टारगेट से बॉल बाहर जाता हुआ और अच्छी मौका पर बेकार हो चुकी है ओडिशा टू झारखंड टीम के लिए। पुनः पर मोंटू जीतता हुआ चाइबासा के लिए अच्छा मौका बॉल को आगे डाले होल्ड करके इसी बीच यहां पर पांडे का अच्छा बचाओ शायद हैंडबॉल हुआ होगा किक लेने का मौका मिलेगा पर चाइबासा टीम की खेड़ को अच्छी कंट्रोल अच्छे तालमेल पांडे नाटक इसके फुल दिख रहे पांडे के कब्जे बॉल का डलने का प्रयास करता हुआ दीपक अभी भी दीपक अच्छी जगह पर पांडे के लिए बॉल को डाले धीरे धीरे गोल का मोमेंट को बनाना चाहेंगे लेकिन सुंदर तरीके से पुश भर दिए पुनः पर चाइबासा बॉल के साथ बल्कि प्रयास करता हुआ यहां पर मौका बन सकता है फिर से बॉल को डाला गया लेकिन जरूरत से ज्यादा ऑल बनाने के प्रयास किए नतीजे गोलकीपर का अच्छा टाइमिंग अच्छे बचाओ जेडी श्री चेक खिलाड़ी हल्का सा चोटिल हुए होंगे देखने वाली बात पर चोट कितना गा रहा है नाश में खींचा हुआ होंगे या कुछ तकलीफ महसूस कर रहे होंगे जी जितने भी खिलाड़ी आप लोग फुटबॉल से जुड़े हैं जिस तरह का ध्यान में जब इस तरह का धूप रहता है
और दिन भर आप लोग खेलते हैं, तो ठंडा पानी मैच के पहला रोज से आप लोग ज्यादा पीने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 20 रोज आपका मैच रहेंगे, उस रोज भी आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। इलेक्ट्रोल का सेवन कीजिए, ग्लूकोन डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मांस के लिए बहुत ही कम कीमत में नींबू पानी बनाकर आप लोग पियेंगे तो आपका नाक का खिंचाव कम होने के चांस रहता है। तो चलिए आप धीरे धीरे खिलाड़ी ठीक ठाक होता हुआ ओडिशा की झारखंड टीम आज शुरुआती क्षण में 2-3 अच्छा मूवमेंट बनाए थे, फिनिशिंग नहीं दे पाए और वहां से उनका दिक्कत बढ़ता गया। चाहे वर्षा की टीम शुरुआती क्षण से थोड़ा सा शुरुआती क्षण में हल्का सा जूझ रहे थे, लेकिन देशे दो गोल का मोमेंट बनाया, उसमें से जब एक फिनिशिंग कर पाए और वहां से उनका खेल का जो स्तर है खेल के स्तर में काफी सुधार लाए और अब तक 2 गोल से आगे है कैमरा सबसे की टीम। धीरे धीरे आप दीपक बॉल के शतक बनने का प्रयास करता हुआ, दीपक बॉल का डालने का प्रयास करता हुआ, छिट्टा दे पर दीपक के द्वारा समय ले रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह पर बॉल को डाला, मौका है यहाँ पर फिर से दीपक के कब्जे बॉल, साधु के ऊपर भरोसा जाता है, लॉलीपॉप शॉट, खिलाड़ी मजदूर मंटू अभी भी दीपक कमाल का। और उस ढील का लाभ उठाने में कामयाब होता हुआ ओडिशा टू झारखंड टीम की खिलाड़ी। गोलपोस्ट पर बॉल को किक लगाया गया था और गोलकीपर ने बॉल को बाहर जाने दी, लेकिन उस तरह का स्थिति में अगर ओडिशा टू झारखंड टीम के दृष्टिकोण से कहा जाए तो अगर गोलकीपर बॉल को रोक लेते तो शायद इतना समय बर्बाद नहीं होता। और अच्छी अनुभव को दिखाया यहाँ पर चाबासा टीम की खिलाड़ी कि मुझे किसी तरह समय को थोड़ा सा खपत करना होगा, जिसके चलते गोलकीपर के सीधी सीधी में बॉल को किक ना करे, लगातार बॉल को साफ साफ किनारे किक लगा दिए थे। फिर पांडे क्या आप 2-2 गोल के बराबरी पर आएंगे ये मैच, ये देखना होगा। फिलहाल अपने ओडिशा टू झारखंड पांडे बार नंबर मोन्टू की करते बॉल, बॉल को दीपक के लिए अब भी दीपक है शॉटिंग लेट खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बॉल में डिफ्लेक्शन नतीजा बॉल कॉर्नर होता हुआ, इरादा मौजूद था पर किसी तरह मैं बॉल को गोल पोस्ट में किक लगाऊं, लेकिन एन बग पर डिफेंडर ने बॉल को पोस्ट भर दिए और सही शॉट लगाने के लिए मौका नहीं छोड़ा, यहाँ पर कॉर्नर के रूप में किक लेने का मौका मिलता हुआ ओडिशा टू झारखंड टीम के खिलाड़ी को। बहुत बड़ी संकट यहाँ पर चाबासा टीम के लिए मटरता हुआ। अच्छी डाले पर शॉट, चलिए यहाँ पर गलत तरीके से पोसिंग करने के प्रयास किए और रेफरी जो है पेंड ये श्री काफी करीब थे चुन्नू सिंह और गोलकीपर को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे थे यार का बॉल को कलेक्ट करने के लिए। और चलिए इसी के साथ समय समाप्ति घोषणा हमारे मैच एवरी चुन्नू सिंह के द्वारा।